हारे बिन हर नाही मिले, हारे ते हरि संग। इसका आंतरिक अभिप्राय क्या है बाबा? शुद्धा साधोरी इटली से, दो धाराएं हैं। एक धारा संकल्प की, परिश्रम की, दूसरी धारा समर्पण की, विश्राम की। हारे बिन हर ना ही मिले, बचपन की एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा अपनी बात। मेरे पड़ोस में हमारे शहर की नगर पालिका के प्रेसिडेंट मरारी लाल लोहटा रहते थे। बहुत साल तक वो प्रधान पद पर रहे। बिल्कुल सांझी दीवार थी, हम बच्चे लोग इधर से उधर, उधर से इधर खेलते रहते थे। जब थोड़ा बड़ा हुआ मैं, तो मुझसे बोलने लगे, मेरे पिताजी के क्लास फेलो थे, छोटे छोटे काम मुझे इलेक्शंस के समझाने शुरू कर दिए। सदा जीतते, भारी बहुमत से जीतते। एक बार मुकाबला कांटे की टक्कर का था। कभी पलड़ा इधर भारी हो जाता, कभी उधर भारी हो जाता, आखिर में 3 वोट से हार गए। हम वापिस आए, पड़ोस का घर सांझी दीवार, तो हम सभी लोग उनके साथ घर तक चले गए, घर के अंदर बैठ गए। धीरे धीरे सभी अपने अपने घरों को जाते रहे। मैं तो उठ के अपने पड़ोस में ही जाना था, मैं अकेला बैठा रहा। उनकी एक बात तब की कही हुई मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, बाद में समझ पड़ी कि उनके कहने का आशय था क्या। मुझे बोले, बेटा जब मैं हार गया तो एक शौक लगा, मैंने कभी हारने की कल्पना ही नहीं की थी, और जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो भी नगर के भविष्य के बारे में योजनाएं बना रहा था, क्या करूंगा, कैसा करूंगा, कैसे कैसे डेवलपमेंट होगी, क्या क्या प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन जैसे ही मैं हार गया तो मुझे एक शौक लगा, और जहां गिनती थी हमारी उसी गली के अंदर मोड़ पर स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल। गिनती करने के बाद, हारना डिक्लेयर करने के बाद जब वो बाहर आ रहे थे, तो कहते कि 5 मिनट में जैसे ही मैं बाहर तक आया,
तो मेरे भीतर एक अपूर्व शांति छा गई। कमाल की बात है, हारा हुआ व्यक्ति शांत अवस्था को उपलब्ध हो जाए, मेरे लिए हैरानीजनक बात थी। मेरी सभी कल्पनाएं नगर को बनाने की, उज्जवल भविष्य, डेवलपमेंट की, सब काफूर हो गए। अब जो नया आएगा वो संभालेगा। मैं भार मुक्त हुआ और इस भार मुक्त होने से मेरे भीतर अपूर्व शांति छा गई, जो कि मैंने पिछले 30 वर्षों से जानी नहीं थी। मुझे उस वक्त ये बात समझ नहीं आई, लेकिन बाद में बात समझ आई। जो प्रेसिडेंट हार जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हार जाते हैं, वो हारने के बाद उनके चेहरे पर इतना लावण्य कैसे आ जाता है? तो मुझे तब समझाई बात कि लावण्य का खोना भविष्य की उलझनों के कारण था। क्या वायदे किए हैं उनको पूरा करना, कैसे करना, कैसे होगा, ये अचेतन में पड़े होते हैं और लगातार हमें छेड़ते रहते हैं। हमारे दिमाग को, हमें पता हो या ना हो, यह अचेतन मन में दूसरों से किए गए वायदे हमारे चेतन को छेड़ते रहते हैं और एक कोलाहल, एक शोर पैदा करते रहते हैं, और जहां शोर है वहां शांति है। तो आप जो मौजूदा ओहदेदार है, उनके चेहरों पर सदा ही तनाव देखो। जो पद मुक्त हो गए उनके चेहरों पर सदा ही खलावट देखोगे। ध्यान से देखना, आपने कभी गौर ना किया हो, क्या हुआ? बिन हारे हरी नाही मिले। आज ये शब्द मुझे साकार हुए। हारने के बिना शांति नहीं आती। अगर तुम जीत जाओगे तो ध्यान रखना, दौड़ फिर से शुरू, और दौड़ आगे आगे ले जाएगी, और सिकंदर की दौड़ बढ़ती ही गई। यद्यपि उसने करीब करीब आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन और की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जो तुम चाहते हो वो मिल भी जाए तो भी खत्म नहीं होती। फिर विषाद घेरता है, जो सोचा था मिल गया लेकिन मिला नहीं जिसकी तलाश थी। तुम्हें और चीज की तलाश है। अब इस बात को ध्यान से समझो, तुम्हें तलाश और चीज की है, और तुम्हारे अंतस को तलाश और चीज की है। फिर समझ लेना, ये तीसरी बार शब्द बोलूंगा। तुम्हें यानी तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे मन को, इस वक्त तुम यही हो। तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो, परंतु इस वक्त तुम मन और बुद्धि हो, शरीर हो। तुम्हें तलाश किसी और चीज की, और तुम्हारे अंतस को तलाश किसी और चीज की। तुम्हें तलाश, तुम्हारी तलाश दौड़ाती है तुम्हें। प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाऊं,
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सबसे ज्यादा धनपति मैं बन जाऊं एक नंबर का, पहले गांव का, फिर सूबे का, फिर देश का, फिर संसार का, ये और की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें जिस चीज की तलाश है वो कुछ और है, और तुम्हारे अंतस को जिस चीज की तलाश है वो कुछ और है। इसको शब्दों को फिर से ठीक समझ लेना, बार बार इन शब्दों की गहराई में उतरना कि मैं बोल क्या रहा। तुम्हारे अंतस को कुछ और खुराक चाहिए, बाहर को जो खुराक चाहिए तुम्हारे मन बुद्धि को वो तुम्हें मिल जाती है। लेकिन तृप्ति नहीं आती, क्यों? क्योंकि बाहर संतुष्ट हुआ, भीतर भूखा है, और वस्तुतः तो तुम भीतर ही हो, वस्तुतः तो तुम भीतर हो, और उसकी भूख मिटी नहीं, और तुम्हारी भूख बाहर की मिट गई और बाहर तुम हो नहीं। यही दुविधा है सभी प्राणियों में। अगर सही दुविधा को तुम, मानवता की सही दुविधा को तराशोगे तो यही पाओगे, मानवता की दुविधा यही है। जो वह सोचता है कि ये मिल जाए तो सब मिल जाएगा, होता नहीं ऐसा, मिल जाता है, होता नहीं ऐसा। जो जो तुम मांगते हो वो मिल जाता है, लेकिन एक चीज है जो कि सब मिलने के बाद भी नहीं मिलती, इसलिए तुम तृप्त नहीं हो पाते। मुझे अक्सर लोग कह देते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर्स, ये बड़े ओहदेदार, अगर उस ओहदे में ये बात को ध्यान से समझें, बड़ी विलक्षण बात है, अगर उस ओहदे में आनंद ना होता, सुख ना होता, तो ये फिर से उस सुख की तलाश क्यों करते? फिर प्राइम मिनिस्टर के वोट मांगता है, फिर सभी मंत्री महोदय, सभी एमएलए एमपी, छोटे म्युनिसिपल कमिश्नर से लेकर फिर मांगते हैं गद्दियां, और हारने का दुख होता है। तो लोग मुझे कहते हैं, अगर इन गद्दियों में स्वाद नहीं, अगर इन गद्दियों में सुख नहीं, तो ये लोग फिर से तराश क्यों करते हैं गद्दियों की? फिर से आके चरण क्यों पकड़ते हैं हमारे? फिर से आकर मीठी मीठी बातों में हमें बहकाने की चेष्टा क्यों करते हैं? इसका मतलब सुख है, गद्दी में सुख है, लेकिन तृप्ति नहीं। ये बात तो शायद आपने कभी सोची ना। मैं कब कहता हूं सुख नहीं है, सुख है, तृप्ति नहीं है। और जब तक तृप्ति नहीं आती, तब तक कितना ही सुख महासुख आपके पास आ जाए, वो मात्र सुविधाओं से अलग कुछ भी नहीं होता। तुम लंगर की पंक्ति में बैठे हो, पंगत में बैठे हो, लंगर खा रहे हो, तृप्त हो गए, गले तक आ गया तुम्हारा खाना, अब और तो एक
बुरकी भी तुम नहीं खा सकते। क्या करोगे? पंगस से उठ जाओगे, तृप्त हुए, भूख तृप्त हुई, भूख मिटी। लेकिन अगर तुम पंगत के बीच में बैठे ही हो तो क्या इशारा है? ये संबोधन किस बात का है? ये संबोधन इस बात का है कि तुम तृप्त नहीं हुए, तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई। और ये लोग पंगत में बैठे हुए उन्हीं लोगों की तरह है जिनकी भूख शांत नहीं हुई, जो तृप्त नहीं हुई। अगर तृप्त हो गए होते, तृप्ति बहुत और चीज है, सुख बहुत और चीज है, सुखी होना अलग चीज है। और ध्यान रखना, बातें बहुत गहरी हैं, तृप्त होना बिल्कुल अलग चीज है। तुम सुखी होना चाहते हो, सुख के साधन जुटाते हो, सुखी हो जाते हो। यही मैं कहता हूं, सुखी हो जाते हो, तृप्त नहीं होते। बस यही दुविधा खड़ी होती है। तुम कहते हो अब क्या होगा, सब कुछ है, कुछ चाहिए नहीं, फिर मन किसका इंतजार करता है? कोई नहीं है फिर भी है मुझको, ना जाने किसका इंतजार। कोई नहीं है फिर भी है मुझको, ना जाने किसका इंतजार। किसी का इंतजार रहता है तुम्हारे प्राणों को, कुछ नहीं होता पाने को, इंतजार रहता है प्राणों को। कुछ शेष रह गया, कुछ कमी है, कहीं तो है, कोई शूल चुभ रही है हृदय, क्या है ये भी पता नहीं चलता, और कोई बता भी नहीं सकता तुम्हें, कोई बताता भी नहीं कि तुम्हारे भीतर और क्या है। किसी के पास जाओगे वो कहेगा मूर्ख हो, तुम्हें हम अनुकरणीय मानकर जो चीजें तुम्हारे पास हैं वो पाने की चेष्टा में संलग्न दिन भर रात रहते हैं, परिश्रम करते हैं कि हम तुम्हारे जैसे कैसे हो जाएं। और तुम कहते हो न जाने किसका इंतजार, सब कुछ पा लिया फिर भी इंतजार बना हुआ है, वो क्या है? भूख मिटी नहीं, बाहर की भूख मिट गई, बुद्धि शांत हो गई, आध्यात्मिक भूख नहीं मिटी, सांसारिक भूख मिट गई, आध्यात्मिक भूख नहीं मिटी। इसीलिए बुद्ध छोड़ देते हैं कपिल वस्तु का साम्राज्य, सब कुछ पा भी लोगे तो कुछ भी ना पाओगे, क्योंकि असल भूख जिसको तुमने शांत किया वो तुम्हारी भूख थी ही नहीं। वो भूख ही तुम्हारी इंद्रियों की थी, तुम्हारे मन की थी, तुम्हारी बुद्धि की थी। असल भूख तुम्हारी
वो तो लेश मात्र भी न मिटी। यही दर्पण है सभी के भीतर। जिन्होंने पा लिया सब कुछ वो भीतर जाते हैं। अक्सर मेरे पास ऐसे लोगों के संदेश आते रहते हैं, बाबा कमी तो कुछ नहीं है, फिर भी किस चीज का इंतजार है, ये कौन है जो हमें अतृप्त रखे हुआ है। ये भीतर की भूख है, ये आध्यात्मिक भूख है। और तुम ये पूछने के लिए ये क्या है जो भूख मिट गई, गले तक आ गया सब कुछ, बैंक भर गए, इतनी जमीन दूर से नजर तक नहीं आती, इतना फैलाव जमीन का, इतने कर्मचारी सेवक, इतना बड़ा साम्राज्य, और छोड़कर चले जाते बुद्ध, छोड़ के चले जाते महावीर, छोड़ के चले जाते अनंत राजाओं ने राजपाट को ठुकरा दिया। किसके कारण? इस आध्यात्मिक भूख को मिटाने के कारण। दो तरह की भूखे हैं, सांसारिक भूख, इंद्रियों की भूख, मन की भूख, बुद्धि की भूख। ये भूख लेकर तुम जाते हो गुरुओं के पास, गुरु तुम्हें जैसा उनको पता है रास्ता बता देते हैं। तुम भी तलाश में जाते हो किसी और चीज की, और वो भी तुम्हें बताते हैं रास्ता, सही भूख का नहीं, भीतरी भूख का नहीं, बाहरी भूख का। और तुम उस बाहरी भूख को उनके रास्तों से मिटाने की चेष्टा करते हो जो कभी न मिटे थे। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब ध्यान से समझते रहना बात, यहां पर बड़े सेंसिटिव मोड्स आएंगे। तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें पदवी चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, तुम्हें पुत्र चाहिए, तुम्हें पुत्री चाहिए, ये तुम्हारी भूख नहीं है, अंतस की भूख नहीं है, बाहर की भूख है। मिट भी जाए तो कुछ नहीं मिटता, क्योंकि तृप्ति नहीं आती। जिनके पास सभी कुछ है उनकी भूख नहीं मिटती, और वो सच्ची भूख को मिटाने के लिए तुम्हारे इन साधनों को छोड़ देते हैं, वनों में निकल जाते हैं, जंगलों में निकल जाते हैं। अगर तुम
सब कुछ पाकर भी अभी तड़पते हो किसी चीज के लिए, तो तुम्हारा रास्ता श्रम का नहीं, तुम्हारा रास्ता विश्राम का, परम विश्राम का है। आध्यात्मिक लोगों के पास, आध्यात्मिक गुरुओं के पास हम जाते हैं तो वो सिखाते हैं बल इकट्ठा करो, और मुझे हैरानी होती है बल इकट्ठा करो, जिनके पास सभी प्रकार के बल थे, थोड़ी उनकी दशा की तरफ झांकने की चेष्टा करोगे? उनको कमी महसूस हुई, भीतर कुछ कम है, तरक्की हुई नहीं, क्या था वो? बल था उनके पास, भोग सामग्री थी उनके पास, भोगा उन्होंने, लेकिन अतृप्त बने रहे, चैन नहीं, करार नहीं, जल रहा है जिया किसी तड़पन में, कच्ची रूहें जो अभी अभी पशु योनि से निकलकर मानव योनि में आई, वो धन ही तो इकट्ठा करेंगे, बल ही तो इकट्ठा करेंगे, मान सम्मान ही तो इकट्ठा करेंगे, पदवियां ही तो इकट्ठा करेंगे, और चाहत क्या होगी उनके मन में? सोचा होगा, अगर सोचने की क्षमता रही होगी जरा भी, मछलियों ने, गायों ने, कुत्तों ने, पंछियों ने, ये मानव बड़ा सुखी है, ये सबको वस में कर लेता है, शेर तक खूंखार पशुओं को वश में कर लेता है, पिंजरे में डाल देता है, और जब उनको मानव योनि उपलब्ध हुई, वो संस्कार तो भीतर ही थे इच्छाओं के, तो उन्होंने बल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बल इकट्ठा करो, ऐसा प्रचार करने वाले लोग मेरी दृष्टि में ताजा ताजा पशु योनि से ही निकल कर आया करते हैं, जो उपदेश देते हैं मेरी दृष्टि में वो भी अभी अभी आए, अभी भोगने दो इन्हें, इकट्ठा करने दो बल इन्हें, और तुम भी इनके पास ही इकट्ठे होगे बिला शक। क्यों? तुम भी अभी कच्चे खिलाड़ी हो, बहुत प्राचीन आत्माएं बड़ी देर से इस सृष्टि में रम रही, भोग रही, ही कहीं जाकर कोई परिपक्व होता है, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, कबीर की तरह, बस जो झीनी झीनी चदरिया बनकर ही तृप्त रहता है, गोधन गजधन बाजधन और सकल धन खान, जब आवे संतोख धन सब धन धूड़ समान। जब संतोष धन आ जाता है फिर आध्यात्मिक भूख मिटती है, इसको एक कसौटी की तरह
अपने हृदय में रख लेना। यह कुछ बात ऐसी नहीं कि खुद को हीन दीन समझना शुरू कर दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सत्य को सत्य की तरह स्वीकारो, जैसे मैंने कहानी सुनाई एक्स प्रेसिडेंट मरारी लाल लोटा, उन्होंने मुझसे कहा कि पहले बहुत दुख हुआ, शौक लगा, लेकिन जैसे ही मैंने स्वीकार किया कि हां मैं हार गया, मेरे भीतर एक अपूर्व शांति की झलक उतर गई। स्वाभाविक था, अब मुझे पता चलता है सारा बोझा खत्म, सारे ग्राम का शहर का बोझा खत्म, ये प्रोजेक्ट बनाना ये बनाना, कभी किसी की कंप्लेंट ना आ जाए, सभी को सुखी रखना, ये करना वो करना, सारे दिन करने में उलझे रहोगे तो तृप्त ना हो पाओगे। हार जाना और हार जाकर खुद को इस बात से समझा लेना, दो ढंग हैं, देखिए दूसरा ढंग बताऊंगा। हार जाना और हार कर इस बात से दिलासा दे लेना कि कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है, अगली बार जीत जाएंगे, 5 साल ही की तो बात है, और इतने बार पहले जीते हैं फिर जीत जाएंगे ये और बात है। और हार जाना और हार कर स्वीकृत कर लेना कि ठीक मैं हार गया, पुनः इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यह स्वीकृति उसके भीतर प्राणों तक चली गई। यह दौड़ ना बनी, आपकी हार भविष्य का दौड़ बन जाती है, कोई बात नहीं 5 साल बाद फिर लड़ेंगे, यही चीज आपको तंग करती है। मुरारी लाल लोहटा ने स्वीकार कर लिया कि बस अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और वो उनका निधन हो गया, यहां से चले भी गए, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। जब मुझे उन्होंने कहा कि मुझे अजीब सा सुकून मिला आज, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। आप शहंशाह कहते हो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन कबीर शहंशाह उसे कहते हैं जिसके भीतर आत्म तृप्ति है। अगर तृप्ति नहीं तो आपकी बाहर की शहंशाही गरीबी का ही एक रूप है। शहंशाही के भीतर कुनीन छिपी है गरीबी की, आपने सांत्वना दे दी कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर इलेक्शन लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। अगर ये बात है तो फिर आप तृप्त ना हो पाओगे। हार को स्वीकार कर लो और आपकी आत्मा ये तथ्य निकाल ले के ओ मैं तो बड़ी मूर्खता में था, इतने साल इलेक्शन लड़ता रहा, मैं मूर्ख ही तो था, मुझे क्या पता कि हार जाने में इतना आनंद होता है। हार जाने में इतना आनंद नहीं होता, हार जाकर हार को स्वीकार करने में आनंद होता है। तुम हारते तो रोज हो, लेकिन हार को स्वीकार कहां कर पाते। बस ये स्वीकार करना ही आंतरिक तथ्य है आनंद का। सुख तो बहुत देखे आपने, आनंद की झलक नहीं पाई, आनंद से बिल्कुल ना वाकिफ रह गए। सुख बहुत देख, संसारिक सुख सदा से आप चखते रहे,
लेकिन आनंद की एक झलक कभी नहीं मिली। और जब उन्होंने आनंद की झलक पाई, हार को स्वीकार करके, उसके बाद उनके चेहरे की ग्लो बढ़ती गई। छोड़ दिया उन्होंने, यहां से चले गए, इलेक्शन कभी नहीं लड़ा और निधन हो गया उनका। साधक खुद ही भ्रांति में है कि हमें चाहिए क्या, चाहिए संसार, धन चाहिए, मान चाहिए, रुतबा चाहिए, कुर्सी चाहिए, और संसार की चीजें चाहिए, और जाते हैं धर्मगुरुओं के पास, और धर्मगुरु भी तुम्हें कहते हैं ठीक बैठ जाओ, यहीं से मिलेगा, ये दुकान सही ढूंढी तुमने। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेला ठेला। गुरु भी लोभी आपको बुला ही रहा है कि कब तुम आओगे, और चेला भी लोभ लेके गया, दोनों नरक में ठेलम ठेला। दुखी तुम भी रहोगे, दुखी गुरु भी है, यद्यपि दर्शाता नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा कां है, काग। काग कभी अपनी भावनाओं को बताता नहीं। ऐसे गुरुओं के पास तुम जाओगे जो कहेंगे बल इकट्ठा करो, बल इकट्ठा करने में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मिल जाएगा। रजामंद है इस बात से राजी, सुख मिल जाएगा, बड़े से बड़ा सुख मिल जाएगा। परमात्मा की सृष्टि में महासुख है, लेकिन याद रखना बस भूख आध्यात्मिक नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। बाहर तुम शांत हो जाओगे, बाहर तुम बड़े से बड़ा ओहदा पालोगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बुद्धि शांत हो जाएगी, भूख जगी रहेगी, ये बड़े अजीब लोग होते हैं, आपको देखने में ऐसे लगेंगे बहुत सुखी, लेकिन दुखी ही होंगे, जितने आप हो शायद उससे ज्यादा दुखी होंगे। आप इस बात को मान नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आपकी अभी कल्पना बाकी है, आप ये होना चाहते हैं, इसलिए आपको इनके बाहरी नक्शो नक्काश दिख पाएंगे। अंतस की प्रज्ञा और अंतस की स्थिति आप देख नहीं पाओगे, इतनी समझ भी नहीं है, इतनी दृष्टि भी नहीं आपके भीतर। और सीधी सी बात मैंने बताई कि पंगत में अगर अभी भी बैठे खाना मांग रहे हैं, तो एक बात तय है कि तृप्ति नहीं हुई। दो मार्ग हैं, अतृप्त तो तुम हो ही, अब इस अतृप्ति को दूर कैसे करना है? दो रास्ते हैं, एक रास्ता है चार वाक का, यदा जीवित सुखी जीवित
ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। वो कहते बस संसार में बल इकट्ठा कर लो, मांग के भी कर लो, ऋण उठा लो, घी पी लो, ये ऋण ही तो है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ऋण है जनता का आप पर। घी पी लो, लेकिन जो तुम पीते हो घी होता नहीं। एक रास्ता ये है, IIM कर लो, IIT कर लो। देखिए मैं किसी को ये नहीं कहता कि पढ़ाई छोड़ दो, मैं एक तथ्य की तरफ तुम्हें इशारा करने जा रहा हूं। बिल्कुल करो, जो कर रहे हो ज्यादा ज्यादा जोर से करो, भागो, खूब भागो। मैं इस हक में हूं कि अगर भागना ही चाहते हो तो दौड़ाक धावक बन जाओ, तेज से तेज, ताकि तुम थक जाओ और थक के ऊंधे मुंह गिर जाओ। अगर धीरे धीरे चलोगे तुम तो कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि थकोगे नहीं। मैं कहता हूं इतना दौड़ो, पूरा जोर लगा के दौड़ो, इतना उबलो कि पानी वाष्प बन जाए, ऊपर उड़ जाए, पानी की गुणवत्ता बदल जाए। पानी जो अब तक बर्फ भी बन सकता था, पता ही ना चले कहां गया। संकल्प का रास्ता परमात्मा तक नहीं लेके जाता, भूल जाते हो तुम। जिसे तुम संकल्प कहते हो परिभाषा गलत हो गई, और जिसे तुम समर्पण कहते हो उसकी परिभाषा भी गलत हो गई। अब ये बातें आपकी समझ में आ जाएं तो धन्य बाकी हो। जैसे सर्दी और गर्मी मैंने बहुत बार समझाया, ओनली मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इसी तरह संकल्प और समर्पण है। यह एनर्जी की अवस्थाएं हैं। जो एनर्जी आप संकल्प में लगाते हो, ध्यान रखना समर्पण में उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। सही देखोगे तो समर्पण में एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि संकल्प में तुम बनते हो और मन बनने को सदा ही राजी है। इन बातों को अगर गौर से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी, अन्यथा सर के ऊपर से गुजर जाएंगे। इसलिए तुम संकल्प से इतने राजी हो जाते हो। पुरुष मन सदा संकल्प से राजी है, स्त्री मन संकल्प से राजी नहीं। मुर्दा तो न संकल्प कर पाएगा न समर्पण कर पाएगा। ध्यान से समझ लेना, क्यों, कारण क्या है। एनर्जी का अभाव, ऊर्जा का अभाव, ना वो संकल्प कर पाएगा ना वो समर्पण कर पाएगा। तो एक बात तो बिल्कुल गौर से समझ लेना कि जरूरत तो एनर्जी की पड़ेगी, संकल्प में भी समर्पण में भी, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि संकल्प में इतनी शक्ति नहीं चाहिए जितनी समर्पण में चाहिए। जितना मन समर्पण से डरता है उतना मन संकल्प से नहीं डरता। सही पूछो तो संकल्प तो मन ढूंढता है, समर्पण मन करने को राजी नहीं होता।
जब उसे संकल्प से कुछ मिलता नहीं। अब इस बात को ठीक से गहरे में समझना जो मैं बोल रहा हूं। जब उसे संकल्प से कुछ मिलता नहीं, जब उसे दौड़ने से कुछ मिलता नहीं, तो वो ठहर जाता है। जब उसे संकल्प से कुछ मिलता नहीं तो वह ठहर जाता है। वो ठहरना समर्पण है। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में। तुम जाते हो गुरुओं के पास, गुरुजनों से तुम जो मांगते हो वो तुम्हारी इच्छा नहीं होती, ध्यान रखना, वो तुम्हारी भूख नहीं होती। और गुरु जो तुम्हें बताता है वो भी तुम्हारी भूख नहीं होती। वास्तव में तुम्हारी भूख एक ही है, दो नहीं। यद्यपि तुम अपने आप को दो मानते हो, एक तल पर तुम अपने आप को शरीर मानते हो और दूसरी तल पर तुम अपने आप को विशुद्ध चेतन परमात्मा मानते हो। शरीर की भूख मिटाने के लिए तुम्हें बल की आवश्यकता है, वो धन बल हो, वो मान का बल हो, वो ओहदे का बल हो, वो अन्न का बल हो, वो धन का बल हो, इस बल की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस बल को प्राप्त करने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, ये अंतरिम बात है। इसलिए गुरु लोग आपको सिखाएंगे, जो भी सिखाएंगे वह मार्ग संकल्प का ही होगा। भूल जाना कि गुरु आपको समर्पण करना बता देंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद संकल्प की तलाश में है, खुद बल की तलाश में है, इसलिए आपको भी प्रेरित करेंगे कि आप बल कमा लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ मिल जाएगा एक तल का, आपकी इंद्रियों का, आपकी मन का, आपकी बुद्धि का, एक तल का सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, अथाह कठिन परिश्रम करने के बाद। लेकिन एक तल पे तो सोने रह जाओगे, एक तल पर तो भूखे रह जाओगे, एक तल पर प्यासे रह जाओगे, एक तल पर तड़पोगे, एक तल पर तो दीनहीन और दुखियारे बने रहोगे। वही तल आपको सताएगा। जैसे ही आप बल को इकट्ठा करोगे, कब? क्योंकि जो मछली मानती नहीं कि समुद्र में आखिर में जाकर तो चट्टाने ही मिलेंगी, अगर नहीं मानती तो उसे खुला छोड़ दो कि ठीक तुम जाओ, और चट्टानों से जब वो मुंह को टकराएगी, लहु लुहान हो जाएगी, या तो मर जाएगी या वापस लौट आएगी। दो ही रास्ते हैं। जो बल कमाते हैं और बल ही कमाना चाहते हैं, उनको छोड़ दो खुला, या तो मुंह तड़वा के वापस आएंगे या मुंह तड़वा के ज्यादा लहु निकलने की वजह से मर जाएंगे। लेकिन समर्पण के रास्ते पे ऐसा नहीं होता। समर्पण के रास्ते पर तो बनना होता ही नहीं, समर्पण के रास्ते पर होना होता है, मिटना होता है। अगर किसी ने कहा
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैं समझता हूं कि संकल्प का रास्ता आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। खुद ही को आप बुलंद करता रहो, खुद ही इतनी ज्यादा हो जाएगी कि तुम्हें दुख देने लगेगी। खुद ही से ही लोग दुखी होते हैं। आपने कभी प्रयास नहीं किया अपने दुख का मूल कारण, तुम्हारे दुख का मूल कारण है क्या? खुद ही। तुमने खुद ही को बढ़ाना शुरू कर दिया। खुद ही का मतलब मैं, नकली मैं। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजा बिल्कुल ठीक, रजा पूरी होगी तुम्हारी। लोगों की रजा पूरी होती है, बल भी मिलता है, धन भी मिलता है, ओहदा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, डिग्रीज भी मिलती हैं, बड़े से बड़े ओहदे भी मिलते हैं। लेकिन फिर वही बात, एक ऐसा पुकारता रहता है मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं। एक तल पर तुम तुम्हारे हिसाब से पा लेते हो सब कुछ, लेकिन वो आपका दूसरा तल तो सदा ही बोलता रहता है कि मुझे मेरी खुराक दो, मुझे मेरा भोजन। इसलिए संकल्पवादी व्यक्ति को आप शुष्क पाओगे, खुश्क, कठोर। और समर्पण की तरफ जो निकल गया उसको आप फ्लेक्सिबल पाओगे, कठोर नहीं होगा। जैसा मोड़ोगे मुड़ जाएगा, रबड़ की तरफ फ्लेक्सिबल। एक कोना भीतर सदा ही पुकारता रहता है जो कहता है लौट आओ, लौट आओ, वापस आ जाओ। टकरा के देख लिया अब तो मुख फूट गया, लहू लुहान हो गए, दर्द के सिवा कुछ ना मिला, लौट आओ। इस राह पे चलने से पहले ये देखना, तुम्हारी डिमांड तो है लेकिन डिमांड है क्या, डिमांड क्या है। देखिए, ट्रीटमेंट तो बड़ा आसान होता है, मुश्किल होता है डायग्नोस कि तुम्हें आखिर बीमारी है क्या। इलाज तो बड़ा आसान है, ट्रीटमेंट इज ऑलवेज सिंपल। मुश्किल होती है डायग्नोस करने में कि आपको बीमारी क्या है। सच में बीमारी ढूंढो, इलाज शुरू करने से पहले बीमारी ढूंढो। आखिर तुम दुखी हो क्यों? और फिर सब कुछ पाकर भी अगर तुम दुखी रहते हो, सब कुछ पाकर भी अगर बुद्ध निकलते हैं कपिल वस्तु से, महावीर निकलते हैं साम्राज्य को छोड़कर, तो कोई कारण है। कितने राजा अपने राजसी ठाठ बाट जिन्हें आप कहते हो उन्हें छोड़कर भिखारी हो गए, हाथ में कमंडल पकड़ लिया। कितनों की उदाहरण दूं मैं, इतिहास को थोड़ा सा उल्ट फेर कर लीजिए, देख लीजिए क्या हुआ। भूख मिटी नहीं, प्यास मिटी नहीं, भूख सदा ही कराहती रही भीतर कि मुझे
मेरे लिए कितना ही आप बल इकट्ठा कर लो, कितनी ही उपाधियां ग्रहण कर लो, यद्यपि आपके मन को ये जचेंगे गुरु। क्यों? मन चाहता ही संकल्प है, मन कर ही सकता है संकल्प, मन के विपरीत जाता है समर्पण। ये समझना, मन के अनुकूल बैठता है संकल्प, तो ये गुरु आपको संकल्प की तरफ लेके जाते हैं और आप झट से मान जाते हो कि ठीक कहते हो। आप सपने सजाने लगते हो, वो बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, शेख चिल्ली की तरह बन जाओगे। बने भी हैं लोग, कहां पहुंचे उनसे पूछ लो थोड़ा सा। स्याने कहते हैं कि अगर तुम भोगना नहीं चाहते तो जो भोगना चाहते हो उनसे पूछ लो कि तुमने भोगा क्या पाया। बुद्ध ने भोगा, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। बुद्ध से पूछो तुमने भोगा क्या पाया, तो उन्हें शायद बताने की आवश्यकता नहीं, उनका जीवन ही बता देगा कि क्या पाया। कमंडल उठाना पड़ा, ये पाया, भूख तृप्त ना हुई, प्यास नहीं बुझी, ये पाया। तो संकल्प जचेगा मन को निश्चित। जो लोग कहते हैं कि बल इकट्ठा कर लो, डिग्रीज इकट्ठी कर लो, शेख चिल्ली की कल्पनाएं जड़ लो और पूरी हो जाएंगी, अवश्य पूरी होती हैं। इस जन्म में पूरी ना होंगी, अगले जन्म में हो जाएंगी। अब के फेल हो गए, अगली बार हो जाओगे पास, क्या खास बात है। और देखिए, दुनिया भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगी। अगर आपने आईएएस कर ली, अगर आपने आईआईटी कर ली, आईआईएम कर ली, बड़ी पदवी पर पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए, तो दुनिया आपको लालची दृष्टि से देखेगी और आपके मन में भ्रम पैदा होगा कि देखो मैं कितना शानदार हूं। लेकिन काश तुम थोड़ा भीतर उतर पाते, काश तुम्हें सब कुछ मिल गया, तुम अपने भीतर उतर के देखो। भूख सता रही है, अगर भूख ना सताती तो कभी कमंडल नहीं उठाते राजा। बहुतों से राजाओं ने कमंडल उठा दिया। राजा जनक, 19 पीढ़ी हुई राजा जनक की, सभी विदेह कहलाए और सभी ने अष्टावक्र जैसे लोगों का दामन थामना पड़ा, उनके चरण पकड़ने पड़े। राजसी ठाठ बाठ, उनकी वो प्यास न बुझा सकी जो असली प्यास थी। इसलिए मैं कहता हूं, दो रास्ते हैं, मछली की तरह टकरा के मुंह फोड़ा के वापस आ जाओ, रास्ता फिर भी वही है जाने का, समर्पण संकल्प कोई रास्ता नहीं, ये एक बहकावा है। संकल्प रास्ता है ही नहीं, संकल्प तो सिर्फ वही रास्ता है कि अगर कोई बच्चा जिद करने लग जाए कि मैं तो ये करूंगा ही, तो उसको छोड़ दो, ठीक। तुम दौड़ना ही चाहते हो, दौड़ लो, ओंधे मुंह गिरोगे, पर थोड़ा सा तेज दौड़ना बेटे, जल्दी थक जाओ, मेरी इच्छा ये है। ओंधे मुंह गिरो, मेरी इच्छा ये है, और ज्यादा तेज दौड़ना, नंबर वन जल्दी से बन जाना, नंबर वन बनकर ही असली वैराग्य पैदा होता है। नंबर वन बनकर ही अगर कोई व्यक्ति आत्मा के भीतरी तलों में जाके कि मुझे कुछ मिला, पहले से सुखी हूं, दुखी हूं,
अगर इस बात की छानबीन करना शुरू कर दे तो वो कमंडल उठा लेगा निश्चित रूप से। हार जाए और अभी ये सोचे कि कोई बात नहीं, अगला इलेक्शन जीत लूंगा, तो फिर वो थकान एक नंबर का बन जाए, अगर बाकी रही कि अब इसके ऊपर मैं डटा कैसे रहूं, तो भी वासना वही है, वर्ड गए एक नंबर बन गए, लेकिन वासना यही रही, इच्छा यही रही कि अब मुझे कोई दो नंबर पे धकेल ना सके, तो फिर तो बात वही रही। एक नंबर पर बनकर थोड़ी अगर भीतर झांकना शुरू कर दो कि कोई पानी मांग रहा है, कोई खाना भोजन मांग रहा है, तृप्ति नहीं हुई, एक नंबर पर डटे रहना भी तो एक वासना है, और वासना सदा दुख देती है, इस बात का ध्यान रखना। वासना सदा दुख देती है, वो चाहे एक नंबर पर पहुंचना हो, चाहे एक नंबर पर डटे रहना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर बनना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर पदवी पर डटे रहना हो, वासना सदा ही दुख देती है। वासना कभी भी आपको उस आनंद के क्षेत्र में प्रवेश करने ही नहीं देती जिसको ईसा ने कहा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। जैसे ही तुम पाओगे एक कांटा चुभता हुआ नजर आएगा, यही तो कन्फर्मेशन से बोलते हैं संत, पक्का पक्का नजर आएगा, आप देखने की कोशिश करोगे तो, अगर चूक चूक जाओगे, दृष्टि हटा हटा जाओगे तो आपको अपना दुखड़ा समझ नहीं आएगा, कोई पुकारता कि मैं प्यासा हूं मैं भूखा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम सुनने की चेष्टा नहीं करोगे, तुम देखने की चेष्टा नहीं करोगे। दो रास्ते हैं, एक रास्ता एक गुरु कहेंगे बल कमा लो तो मैं जचेगा कमार सब कुछ मिल जाएगा, लोग आरती उतारेंगे, आपका नाम गिनीज बुक में आएगा, एक नंबर पर धरे जाओगे बिल्कुल निश्चित, ठीक है, मुंह फुड़वा के वापस आओगे, सब कुछ मिलने के बाद भी एक प्यास भूख बाकी रहती है, भीतर की आत्मा पुकारती रहती है कि कुछ अभी भी छूट गया जो मिला नहीं, अभी कुछ कमी है, अभी कुछ पाना शेष रहेगा, यद्यपि सब कुछ पा लिया गया, जो तुम्हें दिखाई पड़ता है उसको पा लेना संसारिक पा लेना है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, उसको भी पाना है, और उसको पाए बिना तुम संपूर्णता ना पा पाओगे, उसको पाना आवश्यक है। तो अब दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो तुम्हारे गुरु तुम्हें बतलाएंगे, आम सभी बताएंगे, माला ले लो फेरते रहो चक्री घुमा दो, बल पा लेना किसी भी तरह का हो, नंबर वन हो जाओ किसी भी तरह से हो जाओ, लोग तो भक्ति के मामले में भी नंबर वन होने को बैठे, कोई दौड़ है जी, भक्ति है ही ठहरने का नाम, राम विश्राम से ही तो बना है, अगर विश्राम नहीं तो काहे राम, हरे को हरी मिलते हैं,
जीते हुए को हरी नहीं मिलते, जीता हुआ हरी से वंचित रह जाता है। एक रास्ता है परिश्रम का, जाओ मुंह फुड़ा के वापस आ जाओ। एक रास्ता यह है लंबा, एक रास्ता है अष्टावक्र का। अष्टावक्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं मूर्खता मत करो। तुम्हारे भीतर जो भूख है वो तुम्हारे किसी भी क्रियाकलाप से मिटने वाली है नहीं। संसार की सर्वोत्तम चीजें पाकर भी तुम पाओगे कि कुछ अन पाया रह गया। वह अन पाया जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको तृप्ति नहीं होगी, और वह अन पाया कैसे मिलेगा? इसका रास्ता बताते हैं अष्टावक्र दो शब्दों में, जिसे तुम पाना चाहते हो वो तुम हो ही, जिसे तुम पाना चाहते हो वो तुम हो ही। काहे का संकल्प, काहे का समर्पण, काहे का विकल्प, जो तुम पाना चाहते हो पहले ही से पाया हुआ है। बस पाने की दौड़ बंद कर दो। पाने की दौड़ के जितने भी साधन हैं, रास्ते हैं, उन पर पोचा फेर दो। कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं पाना है, जो है वो बस ठीक है, उतने में ही हम संतुष्ट हैं। तो रास्ता बताया बहुत से संतों ने ठहरने का, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। अनमने से भाव से स्वीकार भी मत करना अपनी गरीबी को, अपनी बलहीनता को। हारे को हरि मिलता है, बड़ा प्यारा शब्द है। जो हार जाता है, चाहे मुंह फुड़ा के हारो, चाहे पहले से ही हार जाओ, ये तुम्हारी मर्जी। पहले से ही हार जाओ ये ज्यादा बेहतर है। सीधा सीधा हार जाओ, क्योंकि जिसको जीतने चले वो बड़ा विराट है। किसको जीतोगे उसका मापदंड भी आपके पास नहीं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसका घनत्व कितना, कितनी दूर तक फैला वो विराटतम, तुम्हें उसका कोई पता नहीं। और उसको पाने चले हो तुम, नहीं मिलेगा। तो हार जाना ज्यादा बेहतर है, और हार जाने का अर्थ समर्पण, सब कुछ छोड़ देना, उसके हाथ में छोड़ दो। नैया पतवार उसके हाथ में दे दो और तुम आराम से बैठ जाओ। जहां ले जाए हवाएं, जहां ले जाए नदिया की धारा, बस तुम तैरो मत। नदिया की धारा तुम्हें खुद ही वहां के ले जाएगी। बहने को तक कभी प्रयास ही नहीं करना पड़ता। बहता तो वो है जो समर्पित हो जाता है, जो लड़ता नहीं, जो तैरने को इनकार कर देता है वो बहता है। आपने देखा मुर्दा सदा ही बहता है, मुर्दा कोई प्रयास नहीं करता, मुर्दे की तरह ही हो जाओ। समर्पण काम आएगा आखिर में।
लेकिन लोग आज समर्पण के नाम पर भी उलझे हुए हैं। करते हैं समर्पण, करवाते हैं समर्पण, होता है वो संकल्प, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो, इसका जाप कर लो उसका वो कर लो, सुबह उठ के ये सुन लो, ये सब संकल्प है। आपके सारे रास्ते, अब इस बात को ध्यान से सुन लेना, मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर लेके जा रहा हूं। सारे रास्ते, सारी विधियां, संकल्प की विधियां, संकल्प के रास्ते, तो समर्पण क्या है, ये कोई रास्ता नहीं है। अविधि का आ जाना, सभी विधियों को त्याग देना समर्पण है। विधिहीनता, कोई विधि नहीं, समर्पण है। सभी विधियों को छोड़ दो, सभी मार्गों को छोड़ दो, सभी मार्ग संकल्प के हैं। लोग कहते हैं कि समर्पण के मार्ग हैं, समर्पण का भी भला कोई मार्ग होता है, बहने का भी कोई मार्ग होता है, तैरने के तो मार्ग होते हैं, तैरने की तो कलेबाजियां होती हैं, कैसे तैरो, कैसे तैरो, किस तरह तैरो, कितना गहरे जाना है वैसे तैरो, ये तो है, कलाबाजियां तो हैं, तैरने की कलाबाजियां होती हैं, बहने की कलाबाजियां नहीं होती। बहना तो सभी कलाबाजियों को छोड़ने का नाम है, सभी विधियों को छोड़ दो। सो भगवान कृष्ण ने एक शब्द इस रूप में भी कहा, जिनके अर्थ बहुत और ढंग से भी ले लिए गए। क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब विधियों को छोड़ दे, तू सारा करना छोड़ दे, सभी प्रयासों को नहीं, सभी विधियों को छोड़ दे, जिनके द्वारा तू प्रयासरत है। मामेकम शरणम व्रज, बस सब विधियों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ ही जाएगा। जैसे ही तू सब विधियों को छोड़ेगा, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जाएगा और मैं तुम्हें क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि माशुच, मैं तुम्हें सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर दूंगा, सभी प्रकार की भूखों से निवृत्ति दिला दूंगा, सभी प्रकार की अतृप्तियों को दूर करके तुम्हें तृप्ति दे दूंगा। वहां जाकर तृप्ति मिलती है, आखिर में समर्पण की ये काम आएगी। विधिहीनता, किसी विधि से नहीं जाना है, सब विधियों को छोड़ देना है। विधियों को छोड़कर समर्पण कर दो, तैराकी को छोड़कर बहना शुरू कर दो, जहां ले जाए अनंत सागर उसकी मोज। धन्यवाद।